दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट को सैमसंग एक्सिनस 9825 चिपसेट के साथ में। 750G चिपसेट की अगर बात करें, शाओमी मी 10i के अंदर हमको देखने के लिए मिला है, मोटो जी 5G के अंदर देखने के लिए मिला है और अच्छी स्पेसिफिकेशंस वाला, अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला एक 5G चिपसेट है भाई। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर बात करें एक्सिनस 9825 की, तो पहले हमको सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस के अंदर देखने के लिए मिला था और थोड़े टाइम में हमको सैमसंग गैलेक्सी F62 के अंदर ये वाला चिपसेट देखने को मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में करते हैं भाई इन्हीं दोनों प्रोसेसर को कंपेयर और देखते हैं भाई दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेटर है। फटाफट से कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंपैरिजन को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं लॉन्च डेट से। एक्सिनस 9825 लॉन्च हुआ है 7 अगस्त 2019 को। स्नैपड्रैगन 750G लॉन्च हुआ है 22 सितंबर 2020 को। लॉन्च डेट के हिसाब से देखा जाए तो स्नैपड्रैगन 750G लेटेस्ट चिपसेट है। CPU और CPU क्लॉक स्पीड की अगर बात करें, Exynos 9825 के साथ में ट्राई क्लस्टर आर्किटेक्चर मिलता है। 2+2+4 की बिग लिटिल अप्रोच दी गई है। पहले जो दो कोर हैं वो मिलते हैं हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए, जहां पर सैमसंग का कस्टम डिजाइन किए गए मंगूस कोर्स मिलते हैं, मंगूस M4 कोर्स यहां पर दिए गए हैं। क्लॉक स्पीड मिलती है 2.73 GHz की। नेक्स्ट जो दो कोर हैं वो मिलते हैं लो परफॉर्मेंस टास्क के लिए, जहां पर मिलता है आपको स्टॉक आर्म कॉर्टेक्स A75 CPU। क्लॉक स्पीड यहां पर मिलती है 2.4 GHz की। और लास्ट चार कोर्स मिलते हैं आपको एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, जहां पर मिलता है आर्म कॉर्टेक्स A55 CPU। क्लॉक स्पीड मिलती है 1.9 GHz की। स्नैपड्रैगन 750G की अगर बात करें तो यहां पर आपको डुअल क्लस्टर आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है। 2+6 की बिग लिटिल अप्रोच दी गई है। पहले जो दो कोर्स मिलते हैं वो मिलते हैं आपको हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए, जहां पर मिलता है क्रायो 570 गोल्ड CPU, जो कि बेस्ड होता है आर्म कॉर्टेक्स A77 के ऊपर। क्लॉक स्पीड यहां पर मिलती है 2.2 GHz की। और 6 कोर यहां पर आपको मिलते हैं एफिशिएंसी वाले टास्क के लिए, जहां पर मिलता है क्रायो 570 सिल्वर CPU, जो कि बेस्ड होता है आर्म कॉर्टेक्स A55 के ऊपर। क्लॉक स्पीड यहां पर मिलती है 1.8 GHz की। दोनों प्रोसेसर के अगर CPU को देखा जाए तो स्नैपड्रैगन 750G के साथ में आपको A77 वाले लेटेस्ट कोर्स मिल रहे हैं, लेकिन दो A77 वाले मिलते हैं। Exynos 9825 की अगर बात करें तो यहां पर थोड़े से पुराने कोर्स मिलते हैं A75 वाले, लेकिन दो A75 वाले मिलते हैं, साथ ही में दो मंगूस M4 कोर्स मिलते हैं। प्लस Exynos 9825 में आपको क्लॉक स्पीड बहुत ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलती है एज कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट। तो CPU और CPU क्लॉक स्पीड के मामले में मेरे हिसाब से Exynos 9825 के अंदर आपको पावरफुल CPU मिलता है। CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस की अगर बात करें, Exynos 9825 बना है 7 नैनोमीटर की EUV फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर। EUV का मतलब होता है एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी। स्नैपड्रैगन 750G की बात करें तो 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बना हुआ है। और ये चीज आपको पता है भाई कि फैब्रिकेशन प्रोसेस जितनी कम होगी प्रोसेसर उतना बेटर परफॉर्म करेगा, हीट भी कम होगा और एनर्जी एफिशिएंसी आपको उतनी ही ज्यादा बेटर निकाल के देगा। CPU फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में Exynos 9825 बेटर चिपसेट है। CPU आर्किटेक्चर एंड कोर्स की अगर बात करें, दोनों ही प्रोसेसर 64 बिट के ऑक्टाकोर चिपसेट हैं, यानी कि दोनों प्रोसेसर में आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए 8-8 कोर मिलते हैं। GPU यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की अगर बात करें, Exynos 9825 के साथ में मिलता है ARM की तरफ से आने वाला ARM Mali G76MP12 GPU। ये वाला जो GPU है 7 नैनोमीटर पर बना हुआ GPU है, 12 कोर का GPU है और Exynos 9825 के साथ में इसको 600 MHz पर क्लॉक किया गया है। Snapdragon 750G के साथ में आपको Qualcomm Adreno 619 GPU मिलता है, जो कि एक 8 नैनोमीटर पर बना हुआ GPU है। हालांकि इसको क्लॉक कितने पर किया गया है ये चीज मेंशन नहीं करी गई है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ARM Mali G76MP12 GPU से आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर स्कोर्स में हम इसको देखें तो Adreno 619 को मिलते हैं लगभग 104 पॉइंट के आसपास, ARM Mali G76MP12 को मिलते हैं लगभग 109 पॉइंट के आसपास। मतलब 5 पॉइंट्स का यहां पर आपको बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस यहां पर आपको मिलता है। GPU के मामले में Exynos 9825 बेटर चिपसेट है।
रैम सपोर्ट की अगर बात करें, दोनों ही प्रोसेसर के साथ में हमको डुअल चैनल LPDDR4X रैम का सपोर्ट मिलता है। मैक्सिमम रैम साइज दोनों ही प्रोसेसर के साथ में आपको मिलती है 12 GB तक की। जो हल्का सा डिफरेंस आपको मिलता है वो मिलता है रैम फ्रिक्वेंसी में। एक्जिनस 9825 के साथ में रैम फ्रिक्वेंसी आपको मिलती है 2093 MHz की, 2093 MHz की। वहीं पर स्नैपड्रैगन 750G के साथ में आपको मिलती है 2133 MHz की रैम फ्रिक्वेंसी। तो रैम सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 750G थोड़ा सा बेटर है। स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात की जाए, एक्जिनस 9825 के साथ में आपको EMMC 5.1, UFS 2.1 और UFS 3.0 वाली स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। स्नैपड्रैगन 750G के साथ में आपको EMMC 5.1 और UFS 2.1 वाली स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर आपको UFS 3 वाली स्टोरेज टाइप का सपोर्ट नहीं मिलता है। स्टोरेज सपोर्ट के मामले में एक्जिनस 9825 बेटर चिपसेट है। कैमरा सपोर्ट की अगर बात करें, एक्जिनस 9825 के साथ में आपको 22 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा और 16+16 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिल सकता है। स्नैपड्रैगन 750G की बात करें तो यहाँ पर भी आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है 16+16 मेगापिक्सल का, जहाँ पर आपको MFNR और ZSL दोनों का सपोर्ट मिलता है। 30 FPS का यहाँ पर आपको फ्रेम रेट मिलता है। सिंगल कैमरा अगर 32 MP तक का यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर भी आपको MFNR और ZSL दोनों का सपोर्ट मिलता है। 30 FPS का आपको फ्रेम रेट मिलता है। 48 MP तक का अगर कैमरा यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर आपको ZSL का सपोर्ट नहीं मिलता है, यहाँ पर केवल आपको MFNR का सपोर्ट मिलता है। और मैक्सिमम कैमरा साइज आपको मिलता है 192 MP तक का। तो कैमरा सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 750G बेटर चिपसेट है। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन की अगर बात करें, एक्जिनस 9825 के साथ में आपको मैक्सिमम 8K अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। 4320 pixels वाले 8K अल्ट्रा HD वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर, और 2160 pixels वाले 4K अल्ट्रा HD वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 150 FPS पर। प्लस यहां पर आपको 960 FPS स्लो मोशन का भी ऑप्शन मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 750G के साथ में आपको मैक्सिमम 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। 2160 pixels वाले 4K अल्ट्रा HD वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर, 1080 pixels वाले फुल HD+ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 120 FPS पर, और 720 pixels वाले HD+ वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 240 FPS पर। वीडियो कैप्चर रिजोल्यूशन के मामले में Exynos 9825 बेटर चिपसेट है। डिस्प्ले सपोर्ट की अगर बात करें, Exynos 9825 के साथ में आपको मैक्सिमम ऑन डिवाइस 4K डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है। 4K अल्ट्रा HD डिस्प्ले के साथ में आपको रिजोल्यूशन मिलता है 4096x2160 pixels का, और अगर WQUXGA डिस्प्ले यूज़ किया जाता है रिजोल्यूशन यहां पर आपको मिलता है 3840x2400 pixels का। हालांकि रिफ्रेश रेट के बारे में यहां पर सैमसंग की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि यहां पर हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है। स्नैपड्रैगन 750G की अगर बात करें तो यहां पर आपको मैक्सिमम फुल HD+ ऑन डिवाइस डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है। 2520x1080 pixels का आपको रिजोल्यूशन मिलेगा, और 120Hz तक के हायर रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में भी Exynos 9825 बेटर चिपसेट है। नेटवर्क मॉडेम की अगर बात करें, Exynos 9825 के साथ में आपको इंटीग्रेटेड LTE एडवांस प्रो मॉडेम मिलता है, जो कि डाउनलोड स्पीड देता है 2 GBPS की, अपलोड स्पीड देता है 316 MBPS की। ये वाला जो मॉडेम है ये 4G मॉडेम है, लेकिन Exynos 9825 के साथ में सैमसंग Exynos 5100 मॉडेम लगा करके यहाँ पर 5G कैपेबिलिटीज का लाभ उठाया जा सकता है। मतलब Exynos 9825 में आपको 5G मॉडेम देखने के लिए मिल सकता है, जहां पर आपको डाउनलोड और अपलोड स्पीड बेटर मिल जाएगी। स्नैपड्रैगन 750G की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको X52 इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम मिलता है, जो कि 5G नेटवर्क पर डाउनलोड स्पीड देता है 3.7 GBPS की, 4G नेटवर्क पर आपको देता है 1.2 GBPS की। अपलोड स्पीड की अगर बात करें तो 5G नेटवर्क पर अपलोड स्पीड मिलेगी 1.6 GBPS की, 4G नेटवर्क पर मिलेगी आपको 210 MBPS की। अगर Exynos 9825 के साथ में 5G मॉडेम लगा करके दिया जाता है तो भाई नेटवर्क मॉडेम के मामले में 9825 बेटर रहेगा, और अगर 4G मॉडेम के साथ में आता है तो फिर स्नैपड्रैगन 750G के अंदर आपको बेटर मॉडेम मिलता है। एंटूटु स्कोर्स की अगर बात करें, Exynos 9825 को मिलते हैं लगभग 442,568 पॉइंट, स्नैपड्रैगन 750G को मिलते हैं लगभग 327,890 पॉइंट के आसपास। तो यहाँ पर लगभग 120,000 पॉइंट्स के आसपास का आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, जो कि अच्छा खासा डिफरेंस है भाई। एंटूटु के हिसाब से Exynos 9825 बेटर चिपसेट है।
लास्ट में बात करते हैं Geekbench कोर्स की। Exynos 9825 को सिंगल कोर में मिले हैं 751 पॉइंट, Snapdragon 750G को सिंगल कोर में मिले हैं 650 पॉइंट। मल्टी कोर की अगर बात करें 2155 पॉइंट मिले हैं Exynos 9825 को, और मल्टी कोर में Snapdragon 750G को मिले हैं 1900 पॉइंट के आसपास। Geekbench के हिसाब से भी Exynos 9825 बेटर चिपसेट है। तो भाई ये था कंपैरिजन Samsung Exynos 9825 चिपसेट का Qualcomm Snapdragon 750G चिपसेट के साथ में। CPU से स्टार्ट करें, 750G में आपको लेटेस्ट वाले A77 कोर्स भले ही से मिलते हैं लेकिन क्लॉक स्पीड थोड़ी कम मिलती है। 9825 की अगर बात करें तो वहां पर A75 और Mongoose M4 कोर्स मिलते हैं लेकिन क्लॉक स्पीड वहां पर बेटर मिलती है, प्लस 4 परफॉर्मेंस वाले कोर्स मिलते हैं। तो CPU के मामले में Exynos 9825 बेटर है, GPU के मामले में Exynos 9825 बेटर है। तकरीबन 4 या 5 पॉइंट का डिफरेंस हमने देखा, 6 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस था। GPU स्कोर की अगर बात करें, GPU के मामले में G76 MP12 कहीं पीछे बिठा देता है Adreno 619 GPU को, तो GPU के मामले में भी Exynos 9825 बेटर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में भी Exynos 9825 बेटर है, 7 नैनोमीटर पर बना हुआ है। रैम सपोर्ट की अगर बात करें, रैम सपोर्ट ऑलमोस्ट दोनों में एक जैसा मिलता है। UFS 3.0 का सपोर्ट आपको Exynos 9825 में मिलता है जो कि आपको 750G के साथ में नहीं मिलता है। और मॉडेम की अगर बात करें तो 750G के साथ में आपको इंटीग्रेटेड मॉडेम मिलता है। 9825 के साथ में Exynos 5100 मॉडेम को लगाया जा सकता है, इंटीग्रेटेड आपको 4G मॉडेम मिलता है। लेकिन इस बैटल की अगर अल्टीमेट विनर की बात करें तो मेरे हिसाब से इस बैटल का जो अल्टीमेट विनर निकल के आता है वो आता है Samsung Exynos 9825 चिपसेट। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, दोनों में से कौन सा चिपसेट बेटर है, कमेंट करके मेरे को जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।